मुरादाबाद महानगर के सभी स्कूलों में नगर निगम की टीम बच्चों को इस बात के लिए जागरूक कर रही है कि आप शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा रही हैं, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें। नगर निगम की सहयोगी संस्था संवेदना डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बोनियानी पब्लिक स्कूल में सरकार द्वारा 3R सिद्धांत के तहत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर IEC गतिविधि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी तथा अन्य SSG NGO संवेदना डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से प्रदर्शनी एवं रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उप नगर आयुक्त निशा मिश्रा द्वारा फीता काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से घरेलू उपयोग एवं सजावटी वस्तुएं बनाई गई, जैसे रबर टायर से मेज कुर्सी, बोतल चम्मच, प्लास्टिक टायर, कागज आदि से तरह तरह की आकर्षित वस्तुएं बनाई गई। बहुत अच्छा प्रयास हम लोगों द्वारा किया गया, बहुत अच्छा इनमें बच्चों की सहायता से बहुत ही अच्छा रिसाइकलिंग का जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन हुआ बच्चों के द्वारा, और बड़े इनोवेटिव से यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिली, जिसमें इनका जो है मेन स्लोगन था कबाड़ से जुगाड़, तो उसको उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे चित्रांत किया। बहुत ही अच्छा इनकी मॉडलिंग में बहुत अच्छा जो है सबको मैसेज देते हुए एक बहुत ही अच्छी रैली निकाली गई, जो बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ का जो इनका जो इनोवेटिव जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल था। तो थैंक यू सो मच बोनियानी पब्लिक स्कूल के शहरा मैडम और आप स्टाफ टीचर्स को और बच्चों को भी बहुत बहुत थैंक यू, इन्होंने इतना अच्छा जो है अपना टैलेंट यहाँ पे दिखाया है। इसमें 3R रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कक्षा 12वीं की छात्रा उमैर ने थर्माकोल से पेस्टिंग गम बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, साथ ही विद्यालय की ओर से रैली निकाली गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य द्वारा निशा मिश्रा को पौधा अर्पण कर सम्मानित किया गया, साथ ही संवेदना टीम से सिद्धार्थ सेठी, देवराज सिंह, रूपेश मुल्तानी को भी पौधा अर्पण कर सम्मानित किया गया। इस रैली में उप नगर आयुक्त निशा मिश्रा, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, साथ में संवेदना टीम से सिद्धार्थ सेठी, देवराज सिंह, रूपेश मुल्तानी, अभय चौहान, रवि कुमार, सचिन, उमेर, योगेश, रोहित, पूजा, कपिल, अभिषेक आदि सदस्य शामिल रहे। आज बोनियान पब्लिक स्कूल में नगर निगम और संवेदना NGO की तरफ से एक जॉइंट कैंपेन के तहत हमारे यहाँ मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के अंतर्गत हम लोगों ने एक एग्जीबिशन आज लगाई। बच्चों ने बहुत सारे वेस्ट मटीरियल जो कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, कोई पैकिंग्स हैं, कोई कार्टन्स हैं, या बहुत सारा मेटल का भी चीज़ें हैं, उन सब से बहुत सुंदर चीज़ें इन लोगों ने बनाई हैं, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक सभी का पार्टिसिपेशन रहा है। इनमें इन्होंने एक अपना इनोवेशन, कुछ साइंटिफिक इनोवेशन भी किया है, जिसमें कुछ इन्हीं सब कबाड़ की चीज़ों से एक बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन बनाया है, जिसको अंदर इंटीरियर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और पेट्रोल और थर्मोकोल के साथ में उन्होंने अपना ही तरीके से एक पेस्टिंग मटेरियल बनाया, जिससे ये सब क्राफ्ट को जोड़ने में इनको बहुत हेल्प मिली है। ये एक नया एक हमें चीज़ मिली बच्चों की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे कई तरीके के प्लांटर्स हैं, फूल हैं और पेंटिंग्स हैं, जिनको वेस्ट मटीरियल से ही बनाया गया है, जिसमें ऊन जो आजकल बच्चों को कई बार दिखती भी नहीं है या घरों में कोई बची भी मिली है, तो उनसे उन लोगों ने ऊन का भी इस्तेमाल किया उसमें। और टायर से भी ये सब मिला करके चेयर, टेबल और फुट मैट्स, ये कुछ नई तरीके की चीज़ें बनाई, जिससे हम लोगों ने भी बच्चों से बहुत सारी प्रेरणा ली है। इसके अलावा एक रैली शहर में निकाली गई, जो बोनियान से शुरू होकर के यहीं आकर के ख़त्म हुई। इसमें हमारे बीच में उप नगर आयुक्त भी मौजूद रही, उनकी मौजूदगी से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत बढ़ावा मिला है। हम लोग शुक्रगुजार हैं पूरी नगर निगम की टीम के और संवेदना NGO की टीम के, कि आज हमारे स्कूल में उन लोगों ने हमको सेलेक्ट करा कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को कर सकें और दिखा सकें। और बच्चे, क्योंकि अब स्कूल पढ़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ इसी काम के लिए आने में बहुत उत्साहित थे और बहुत मन से इन लोगों ने सब चीज़ बनाई है। और हम समाज को ये मैसेज देते हैं कि कबाड़ सिर्फ कबाड़ नहीं है, हम लोग कबाड़ से बहुत कुछ जुगाड़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हम लोग ला सकते हैं।